गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ शिनचैन एकेडमी, हाउ आर यू ऑल? वी होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश पोयम वेक अप. लेट्स बिगिन. वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy ahead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiny chicken, chip chip chips. Wake up, student of Shinshan Academy. This is your English poem, Wake Up. अब हम इसका हिंदी में मीनिंग समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है. तो चलिए शुरू करते हैं. इस पोयम में बताया गया है कि उठ जाओ. ये जो देखिए, इस पोयम में ये बच्चा है ना, आप पिक्चर देख रहे हैं. इस पोयम में ये पोएट बोल रहा है, जिसने ये पोयम लिखी है वो बच्चों को बोल रहा है कि उठ जाओ, उठ जाओ, आज बहुत ही प्यारा दिन है. आप सभी को आपकी मम्मा उठाती है ना मॉर्निंग में कि देखो आज कितना अच्छा अच्छा दिन है, कितनी अच्छी सुबह है, चलो जल्दी उठ जाओ बिस्तर से, है ना. तो ऐसे ही जो ये पोएट है ये भी बच्चे को बोल रहे हैं कि आप भी उठ जाओ, आज बहुत ही प्यारा दिन है. फिर पोएम में जो पोएट है वो बोल रहा है कि ओ प्लीज़ उठ जाओ ना, हमारे साथ आकर खेलो. ये देखिए जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं इसके बच्चे के आसपास, तो ये बच्चे को क्या बोल रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं कि हमारे पास आकर खेलो, हमारे साथ आकर खेलिए. जो चिड़िया है वो पेड़ पर बैठकर गाना गा रही है, और जो आप देख रहे हैं ना मधुमक्खियां हैं, ये कैसे करती है, भिन 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 करके आवाज़ आती है ना इनकी, बजिंग मतलब होता है भिन भिनाना, जो आवाज़ निकालते हैं ना वो, उसको बोलते हैं बजिंग. बजिंग साउंड मतलब होता है जो मधुमक्खियाँ आवाज़ निकालती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बजिंग साउंड. ठीक है, तो ये जो पोएट है वो बोल रहा है कि देखो चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठकर गाना गा रही है, मधुमक्खियाँ भिन भिना रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है ना. और बोल रहे हैं पोयम में कि बहुत देर हो गई है, आप बेड पर सोने का समय नहीं है, जल्दी उठ जाओ और जल्दी करो, सोए हुए बच्चे. वो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि जल्दी उठ जाओ सोए हुए बच्चे, क्यों लेटे हुए इतनी देर तक, उठ जाओ ना, अब सोने का टाइम थोड़ी ना है, अब तो सुबह हो गई है, अब सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं, तो तुम भी उठ जाओ. और बच्चे को बोल रहे हैं कि जल्दी से नहाओ, कपड़े पहनो और बाहर आओ. वॉश एंड ब्रश मतलब होता है नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आना, मतलब फ्रेश होके निकलना, है ना. हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं ना, बात लेते हैं, है ना, ब्रश करते हैं और न्यू न्यू ड्रेस पहनते हैं. तो ऐसे ही ये जो बच्चा बच्चे को बोल रहे हैं कि जल्दी करो, नहाओ, नए कपड़े पहनो और बाहर आओ. सभी लोग उठ गए हैं और जो अभी तक नहीं उठे हैं वो भी उठने वाले हैं. पोएट बता रहा है बच्चे को कि जो अभी तक नहीं उठे हैं ना वो उठने वाले हैं, और तुमसे पहले तो और लोग भी बहुत सारे उठ गए हैं, बहुत सारे जानवर भी उठ गए हैं. तो वो बोल रहा है बहुत सारे जानवर उठे हैं, कौन कौन से जानवर हैं, वो काऊ यानी कि गायें उठ गई हैं, घोड़ा हॉर्स होता है हिंदी में, घोड़े घोड़े को बोलते हैं हॉर्सेस, ओके, हॉर्स उठ गया है, डक्स उठ गए हैं, शिप उठ गई है, सब उठ गए हैं. और ये छोटे छोटे जो चिक्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे ना मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसको हम चिक्स बोलते हैं, वो भी उठ गए हैं और चिप 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 कर रहे हैं. तो ये बच्चों को बोल रहे हैं कि सब उठ गए हैं और आप तुम भी उठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी उठो, है ना. इस पोयम में हमने सीखा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. आप देखिए आप जो एनिमल्स होते हैं वो कितने सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आपने देखा होगा ना, कि आप देखोगे काऊ भी उठ जाती है ना. आपने सुना होगा काऊ जब आप मॉर्निंग में सोए रहते हैं और काऊ की आवाज़ आती है आपको, है ना, मॉर्निंग में उठ जाते हैं. जानवर भी उठ जाते हैं जल्दी से, वो भी अपने काम पे निकल जाते हैं. तो ये पोएट बता रहा है कि जैसे जानवर और जो बड़े लोग हैं वो जल्दी
जल्दी उठ जाते हैं, वैसे बच्चों को भी जल्दी उठना चाहिए ताकि आप हर काम अपना समय पे कर सको, है ना। आपको भी जल्दी उठने का आदत होनी चाहिए ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और अपना जो भी वर्क है वो टाइम पर फिनिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी पोयम वेकअप। आई होप आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी, इसे आप रीड भी कीजिए एंड लर्न भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।